आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया सो ठान लिया। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे बिहार पुलिस का नोट्स। यह जो नोट्स है, यह जो पढ़ाया गया है राघव सर के द्वारा, उनका जो यूट्यूब चैनल फिनिश एकेडमी, उस पर शाम 4 बजे से लाइव बैच चलता है, सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। उस बैच का नाम है महानंदा बैच, जो बिहार पुलिस के लिए पढ़ाया जाता है। अगर सर का वीडियो आप लोग नहीं देख पाते हैं या वीडियो देखकर उनके नोट्स को नहीं उतार पाते या नोट्स कहाँ से मिलेगा आपको नहीं मालूम है, तो इसलिए मैं उनके नोट्स को रिविज़न के तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 10 से 15 मिनट में देख लेंगे इसको। चलिए हम लोग देखते हैं उनके क्लास नोट्स है। यदि आप लोग इसका PDF मांगना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना WhatsApp नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा PDF। चलिए हम लोग देखते हैं यह तीसरा लेक्चर, जिसमें सर क्या पॉलिटिक राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाए थे। बात किया जाए भारतीय संविधान, पॉलिटी में क्या पढ़ना है हम लोग को, भारतीय संविधान की बात किया जाए तो हमारा जो भारतीय संविधान है इसके जनक बोला जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान को लिखे हुए थे। हमारा संविधान बनना कब से शुरू किया गया था, तो ये 6 दिसंबर कब, 6 दिसंबर 1946 से ये बनना शुरू किया गया, और ये बनकर कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को, कब, यहाँ 9 है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान क्या हो गया, तो बनकर रेडी हो गया था, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, कानून दिवस या विधि दिवस, और 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। आगे हम लोग देखते हैं, बात किया जाए भारतीय संविधान की, तो जो भारत का जो संविधान है उसमें भाग है, अनुसूची है और अनुच्छेद है। यदि बात की जाए तो भागों की संख्या कितनी है, तो पहले 22 था, वर्तमान में किस उसकी संख्या कितनी है, 25 है। अनुसूची की संख्या की बात की जाए तो पहले टोटल 8 अनुसूची थे, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद की बात किया जाए आर्टिकल के, इसमें टोटल 395 आर्टिकल है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार इसे भारत का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में कुछ भाग अपने देश का, अलग अलग देशों से कुछ न कुछ नियम लिया गया। जैसे मौलिक अधिकार हमारे देश में, हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, तो USA से लिया गया। कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, उसके संविधान से लिया गया है। इसकी राजधानी कहाँ, Washington DC में है। बात किया जाए Washington DC किस नदी के किनारे है, तो पोटैम्स का, पोटैम्स नदी के किनारे है। कहाँ पर, वो अमेरिका में। बात किया जाए अनुच्छेद, ये किस अनुच्छेद में, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। मौलिक अधिकार टोटल वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में 6 है, पहले ये 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। चलिए हम लोग देखते हैं किस, कौन सा मौलिक अधिकार किस में है। मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो वर्तमान में भी टोटल 6 है। समानता का अधिकार या आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार यह 19 से 22 के बीच में है। शोषण का, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार यह 25 से 28 में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार यह 29 से 30 में है, तथा संपत्ति का अधिकार यह अनुच्छेद 31 में था, जिसे हटा दिया गया है, क्योंकि यह जो था अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो बच्चों को यह मालूम था कि जो भाई मेरे मम्मी पापा का जो संपत्ति वो तो मेरा ही है, तो अपने मम्मी पापा की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता था, इसलिए इसको संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया। और किस संशोधन के द्वारा, तो ये 44वां संशोधन जब हुआ था तब इसको हटा दिया गया, कब, 1978 में। यह संशोधन कब हुआ था, 1978 में, तो इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और वर्तमान में इसके जगह पे कौन सा था, कानून है, क्या, कानूनी अधिनियम है। और अनुच्छेद किस में है, तो ये 300 क में। संवैधानिक उपचार का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मान लीजिए यहाँ पर कोई अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संविधान में तब लिखा गया कि आपके पास कोई आपको कोई शोषित नहीं कर रहा, लेकिन यदि आपको कोई शोषण करता है और कोई पुलिस अधिकारी के पास आप कंप्लेन लिखाने जाते हैं, वो कंप्लेन नहीं लिखता, तो आप उसको इसको संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत उस पर आप FIR दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ शिकायत कर सकते हैं। ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो पब्लिक के लिए नहीं है, इसका उपयोग कौन करता है? सरकार ही करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, 14 कानून के समक्ष समानता, अर्थात जो हमारा संविधान है, हमारा जो कानून है, उसमें सभी क्या है, समान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, दो आदमी मिलकर, एक राष्ट्रपति जी का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है, तो संविधान के आगू में दोनों क्या है, समान है, और दोनों को समान सजा दिया जाएगा। आर्टिकल 15 जो 15 क्या बोलता है, धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात हमारे संविधान में देखा जाता है धर्म के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदर में अलग अलग भारत में जाति धर्म के लोग हैं, उसके साथ भेदभाव ना हो, इसलिए आर्टिकल 15 है। जाति के आधार पे कोई छोटे जाति से कोई बड़ी जाति, इस पर लोग भेदभाव नहीं कर सकता, इससे होता था लेकिन अब नहीं करता कोई। लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों में भेदभाव हो सकता है। नस्ल के आधार पर कोई गोरे एवं काले के आधार पर कोई भेदभाव कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 15 कहता है वो भेदभाव कोई नहीं करेगा, यदि उसके थ्रू कोई करता तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आर्टिकल 16 यह क्या बोलता है, अवसर की समानता। क्या है अवसर, मतलब इसमें जो भी व्यक्ति, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। मान लीजिए अभी जो बिहार पुलिस का जो फॉर्म निकला है, तो क्या इसमें सभी के लिए तो समान अधिकार है, जैसे मान लीजिए दौड़ सबके लिए समान है, ऊंची कूद और जो गोला फेंक है सभी को क्या, सभी व्यक्ति को कितने मौका दिया जाएगा, 3 मौका दिया जाएगा। क्या जो बड़े व्यक्ति है, जो पैसा वाला, क्या उसको ज़्यादा दिया जाएगा, नहीं, सबको कितना है, 3 ही दिया गया, तो समानता का अधिकार है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का आधार क्या है, अर्थात छुआछूत का अधिकार को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़े जाति से, यदि उसके जाति से कोई छोटे, उसके लोटा में कोई छोटे जाति के लोग पानी पी लेता तो उसके, वो क्या करता था, अपने लोटों को धो लेता था, फेंक देता था, तो इस सब को कौन अंत करते हैं, तो हमारा आर्टिकल 17 करता है। आर्टिकल 18 क्या है, तो यह उपाधियों का अंत, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने पीछे कोई उपाधि नहीं लगा सकता, तो उपाधियों का अंत कौन करता है, तो आर्टिकल 18। लेकिन कुछ उपाधि अभी भी रखे, संविधान ने उसको हटाया नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो अपने पीछे इंजीनियर लगा सकता है, कोई PhD किया हुआ तो अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकता है, तो ये सब क्या है, उपाधि अभी भी संविधान में है, इसको हटाया नहीं गया है। अगला स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात किया जाए तो ये कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। बात किया जाए तो क्या आर्टिकल 19 ये क्या बोलता है, ये स्वतंत्रता के अधिकार है। टोटल स्वतंत्रता कितने प्रकार के, 6 प्रकार है। पहला प्रेस के प्रति स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19A में दिया गया है। फिर 19 आर्टिकल 20 क्या बोल रहा है, अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बार अपराध कर लिया और वह छूट गया, दोबारा कहीं किसी की कोई अपराध होता है तो उस अपराध के बदले इसको बार बार पकड़ना तो गलत बात है, क्योंकि ये बेचारा जो अपराध जिसके मामले में किया था उसके बाद ये दोबारा कहीं नहीं किया, फिर भी इसको पकड़ लेना ये तो गलत बात है। तो क्या है, अपराधों के दोषी सिद्ध संबंध में भी कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 ये कहता है क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात कोई व्यक्ति किसी घर के लोगों को यदि मार देता है तो उसके घर परिवार के लोग उस व्यक्ति को नहीं मार सकता है, इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, तो दैहिक या प्राण की स्वतंत्रता का अधिकार कौन है, आर्टिकल 21। और ये दोनों कभी बदला नहीं जाएगा, कभी निलंबित नहीं होती है ये। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, 22 बोलता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है।
अर्थात आपको कोई व्यक्ति अधिकार कर लेता, क्या कर लेता, गिरफ्तार करता पुलिस वाला, तो आपके पास क्या है, यह इसकी स्वतंत्रता कि आप उससे पूछ सकते भाई मुझे गिरफ्तार कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, ये आपके पास ये अधिकार है। हमारा जो संविधान मुझे ये अधिकार देता है। आशा करती हूँ नोट्स आपको समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।